Hello friends, I hope you all are well. As you all know, we are discussing our video series for class 10th level. So today my topic of discussion is very interesting. I hope you will enjoy this session. So this is all about plasmolysis and deplasmolysis. So what is going to happen in plasmolysis? I am going to give you a comparative chart. In plasmolysis, you can write in first point, cell is placed in हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. प्लाज्मोलिसिस तभी होगी जब हम लोग सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख रहे होंगे. और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब आपको पता है कि वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा. सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम होगा और सेल के बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा. सॉल्यूशन ऑफ वाटर, या ऐसा कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल. और इस कंडीशन में जो प्रोटोप्लाज्म होगा वहां पे श्रिंकेज आएगा. जब भी प्लाज्मोलिसिस होगी तो श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म विल अकर. और प्रोटोप्लाज्म स्टूडेंट्स, आपको बहुत पहले मैंने बताया भी हुआ है अपने पहले वीडियोस में कि प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म अलोंग विद न्यूक्लियस. तो यहाँ पे श्रिंकेज होने वाला है प्रोटोप्लाज्म का और जो सेल मेम्ब्रेन है वो पुल्ड अवे हो जाएगी फ्रॉम द सेल वॉल. सेल मेम्ब्रेन पुल्ड अवे फ्रॉम सेल वॉल. आप सबको पता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है और एनिमल प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं. दूसरा पॉइंट आता है कि प्लाज्मोलिसिस की कंडीशन में, थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे इसको, प्लाज्मोलिसिस कंडीशन में सेल्स बिकम फ्लैसिड. फ्लैसिड का मतलब सेल अपनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को लॉस कर देंगे एंड सेल कंटेंट विल लूज, सॉरी, सेल विल लूज ऑल द वाटर कंटेंट, इट विल बिकम फ्लैसिड. और अब प्रोटोप्लाज्म कोई भी प्रेशर सेल वॉल पे नहीं लगा पाए. और सेल, इस कंडीशन में हम सेल को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड. जब प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल पे, जब प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल पे कोई प्रेशर नहीं लगा पाएगा, ठीक है, नो प्रेशर, तो इस कंडीशन में जो सेल होगी उसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल एंड प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस. आप इसके एग्जाम्पल में एक पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जब कभी भी हम लोग एक्सेस फर्टिलाइजर ऐड करेंगे, एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर इज एडेड टू सोयल. जब कभी भी हम लोग एक्सेस फर्टिलाइजर सोयल में ऐड करेंगे तो क्या होगा, सोयल उस कंडीशन में हाइपरटोनिक हो जाएगी जिसकी वजह से प्लांट सेल कैसी हो जाएंगी, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएंगी. सोयल, not soils, I have to remove this s, okay, you have to write here soil only. Okay, next point हम लोग चलते हैं कि क्या प्लाज्मोलिसिस रिवर्सिबल प्रोसेस होती है. तो ये बात एकदम सही है, हम चाहे तो प्लाज्मोलिसिस से डीप्लाज्मोलिसिस कर लेंगे और डीप्लाज्मोलिसिस से वापस प्लाज्मोलिसिस. तो पहली बात हम आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि प्लाज्मोलिसिस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है. कैसी प्रोसेस है, रिवर्सिबल. और मुझे लगता है दोस्तों आपको रिवर्सिबल का मतलब बहुत अच्छे से पता होगा. तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, इस वजह से जब भी हम किसी भी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में रखेंगे, वी आर गोइंग टू प्लेस सेल इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. पहला पॉइंट होगा कि हम लोग यहाँ पे सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने वाले हैं. कौन सी सेल को, प्लाज्मोलाइज्ड सेल को. जब भी हम लोग प्लाज्मोलाइज्ड सेल को, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल में जब हम कभी हाइपोटोनिक वाटर को या सॉल्यूशन को ऐड करेंगे, हाइपोटोनिक इन प्लाज्मोलाइज्ड सेल, जब भी हमारे पास प्लाज्मोलाइज्ड सेल होगी उसमें हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस डालेंगे, या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं प्योर वाटर डालेंगे,
तब क्या होगा, सेल वापस से इस कंडीशन में सेल वापस से गेन करेगी वाटर को. सेल गेन्स वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोस्मोसिस. और एंडोस्मोसिस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिन लोगों ने हमारा ऑस्मोसिस वाला एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस वाला वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट में जाके एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस को चेक करेंगे. और यहाँ पर क्या होगा, सेल गेन करेगी वाटर को एंडोस्मोसिस की प्रोसेस से. और दोबारा से क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे. सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म विल कम बैक, अपनी वापस पोजीशन पे आ जाएंगे. विल कम बैक टू देयर नॉर्मल पोजीशन. और अब क्या होने वाला है, इस फिनोमिना जिससे कि प्लाज्मोलाइज्ड सेल बैक टू नॉर्मल आ गई है उसको हम लोग बोलेंगे डी प्लाज्मोलिसिस. व्हेन प्लाज्मोलाइज्ड सेल कम बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन दिस पॉइंट इज कॉल्ड डी प्लाज्मोलिसिस. अब हम दोस्तों आपको कुछ एग्जांपल्स बताना चाहते हैं यहाँ पर कि प्लाज्मोलिसिस की क्या इम्पोर्टेंस है. तो हम लोग अगर इसकी बात करें तो आप थोड़े पॉइंट को समझते चलिएगा, तो मैं आपको इस पॉइंट को क्लियर भी कर दूंगी. आप देख सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंस है प्लाज्मोलिसिस की वो क्या हो सकती है. जब कभी भी हम लोग साल्ट्स डालते हैं पिकल्स में, पिकल्स का मतलब अचार, जब भी हम लोग साल्ट्स को ऐड करेंगे तो वो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है. इट किल्स बैक्टीरिया किस प्रोसेस से, प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस से ही ये बैक्टीरिया को किल करेगा. और उस वजह से जो साल्ट है उस मीडियम को कैसा बना देगा, हाइपरटोनिक मीडियम हो जाएगा. और इस वजह से यहाँ पे प्लाज्मोलिसिस होगी. उसी तरीके से हम लोग जैम में क्या करते हैं, हाई शुगर सॉल्यूशन यूज करते हैं, हाई शुगर यूज करते हैं. जितनी भी जैम और जालीज हम लोग बनाते हैं उसका भी पॉइंट यही है, प्लाज्मोलिसिस की वजह से वहां पे जो जर्म्स और बैक्टीरिया है उनको हम लोग किल कर सकते हैं, वो मीडियम में एंटर नहीं कर पाएंगे. और एक एग्जांपल आपको मैं और बता सकती हूँ, जैसे कि हम लोगों को कभी कभी हम लोग जो वीड्स होते हैं, वीड्स मीन्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स. जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वीड्स पे हम लोग क्या कर देते हैं, स्प्रिंकलिंग ऑफ एक्स्ट्रा साल्ट. हम लोग कुछ स्प्रिंकलिंग करते हैं सॉल्ट की एट द बेस ऑफ वीड्स, इन एट बेस इन सॉइल. सॉइल में जब भी हम लोग सॉल्ट को डालेंगे वीड्स में तो जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होगा वो प्रिवेंट करेगा वाटर के एब्जॉर्प्शन को और सेल को डैमेज कर देगा. इस वजह से जो वीड्स की ग्रोथ है वो रुक जाएगी. एंड दिस इज ऑल्सो कॉज विच अकर ड्यूरिंग ड्यू टू प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस. तो मुझे लगता है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए ये वीडियो, प्लाज्मोलिसिस और डी प्लाज्मोलिसिस. तो अगला वीडियो हमारा होगा टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी पर. उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक अभी और पेंडिंग है जिसमें हम लोग आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये पसंद आएगा वीडियो. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन. एंड इफ यू डिडंट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. एंड आई होप वी विल मीट सून. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.